महाविद्यालय. देन लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स दैट इज द पॉलिनेशन. दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. फर्स्ट इज द ऑटोगमी, जिटोनोगमी एंड थर्ड इज द जीनोगमी. तो हम लोगों ने पॉलिनेशन लास्ट लेक्चर में देखा था. तो पॉलिनेशन कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा था, उसमें से थ्री टाइप्स थे वो भी हम लोगों ने देखे थे. तो आज हमें देखना है कि कौन से एजेंट से, बाय द एजेंट्स, पॉलिनेशन बाय द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन हैव बीन टू एजेंट्स, अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. तो ये अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. अबायोटिक एजेंट्स द नॉन लिविंग थिंग एंड बायोटिक एजेंट्स इज द लिविंग थिंग. देन नॉन लिविंग थिंग बायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट्स विद द विंड पॉलिनेशन. देर आर टू टाइप्स, देन विंड पॉलिनेशन एंड वॉटर पॉलिनेशन. अबायोटिक, देर आर द टू एजेंट्स, देन विंड एंड वॉटर. Wind and water. Then this one is the non-living thing. This one is the living thing. Living thing यानी कि वो insect होता है. Insect के through, butterfly के through, bites के through, इसके through होता है. तो that is 100% sure इसमें pollination होता है. इसमें abiotic agents में 100% pollination होता है. अगर as compared abiotic and biotic agents को compare करेंगे तो biotic agents जीतेगा. Why? क्योंकि इसके इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है इसीलिए वो 100% पॉलिनेशन होता है इसमें. लेकिन अबायोटिक एजेंट्स में इसमें चांस फैक्टर होता है. क्या होता है? चांस फैक्टर, यानी कि यहाँ पे लक होना चाहिए. क्या होता है? लक. तो ये एयर के थ्रू होता है विंड, यानी कि एयर पॉलिनेशन, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है. ये वॉटर यानी कि H2O, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक. एंड एयर विंड पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिलिक, एनिमोफिलिक. देन टॉक अबाउट दिस टॉपिक, देन विंड पॉलिनेशन टुडेज टॉपिक. तो आज हम देखने वाले इसमें से विंड पॉलिनेशन देखते हैं. फिर से रिपीट करते हैं, अबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट. अबायोटिक एजेंट इज द लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग. दिस वन इज द लिविंग थिंग. देन नॉन लिविंग थिंग व्हिच इंक्लूडेड, देयर आर टू टाइप्स, विंड पॉलिनेशन एंड वॉटर पॉलिनेशन. तो उसको विंड को कहते हैं एनिमोफिली एंड वॉटर को कहते हैं हाइड्रोफिली. तो उसमें से हम आज देखने वाले हैं विंड पॉलिनेशन. तो विंड पॉलिनेशन में क्या होता है? चांस फैक्टर, यानी कि उसमें से लक होना जरूरी है क्योंकि वो एयर से पॉलिनेशन हो रहा है. तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एंथर का स्ट्रक्चर निकाला. एंथर का स्ट्रक्चर, दिस वन इज द एंथर, इज द बायलोब स्ट्रक्चर. यहाँ पे पोलन ग्रेन नजर आ रहे. तो एंथर का जो स्ट्रक्चर है उसमें से जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए. कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी. व्हाई नॉन स्टिकी? बिकॉज ऑफ पोलन क्लॉथिंग टू द स्टिक टू द सरफेस ऑफ एंथर, वो नॉन स्टिकी होना चाहिए. देन सेकेंड वन इज द, वो लाइट वेट होना चाहिए. उसका जो वेट होता है वो कम होना चाहिए. व्हाई? क्योंकि वो एयर में जो फ्लॉट हो रहा है पोलन ग्रेन, वो फ्लॉटिंग होने के लिए उसका वेट कम होना चाहिए. अगर उसका वेट ज्यादा होता है तो वो जो पोलन ग्रेन है यही कहीं स्टिग्मा के ऊपर नीचे गिर जाएंगे, तो वहां पे पॉलिनेशन नहीं होगा. इजंट इट? देन नेक्स्ट, यहाँ पे जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज होना चाहिए, ओपन एंड एक्सपोज होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एंथर, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन बाहर निकल के एयर में फ्लॉट होना चाहिए. इसके लिए जो एंथर है वो ओपन एंड एक्सपोज होना चाहिए. दिस वन इज द, नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पे मैंने स्टिग्मा यानी कि पिस्टिल निकाला है. ये दिस वन इज द स्टेमेन, स्टेमेन एंड ये है आपका पिस्टिल, ये है पिस्टिल. तो दिस वन इज द स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है, ये आपकी स्टाइल है और ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है. ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस ओवरी एंड एम्ब्रियो सैक. आप ऑलरेडी उस एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यू पढ़ चुके हो तो वो बताने की जरूरत नहीं है. देन दिस वन इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इज ब्रॉड, व्हाई? टू रिसीव द पोलन. यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो ब्रॉड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो ब्रॉड होना चाहिए. व्हाई? क्यों ब्रॉड होना चाहिए? क्योंकि टू रिसीव द
ब्रॉड होता है. देन यहां पे जो नेस्ट है ये जो स्टिग्मा है फैदरी होना चाहिए. यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा रफ ऐसे क्रैश क्रैश किया है तो ये होना है फैदरी. ट्रैप द पोलन एंड कैरीड बाय द विंड करंट. ट्रैप द पोलन एंड कैरीड बाय द विंड करंट. क्यों फैदरी होना चाहिए? क्योंकि वो ट्रैप कर रहा है पोलन को और बाय बाद में कैरीड करेगा विंड करंट के थ्रू. यानी कि वो करंट होता है एयर का उसके थ्रू वो ट्रैप होगा. Then, वो जो स्टिग्मा है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड यानी कि एंथर था ओपन एंड एक्सपोज्ड, वैसे ही वो वेल एक्सपोज्ड यानी कि वो भी स्टिग्मा ओपन होना चाहिए. क्योंकि इसमें चांस फैक्टर, सबसे पहले मैंने वर्ड्स यूज किया था चांस फैक्टर यानी कि लक. ये जो एयर का जो करंट है उसके वहां पर पॉलिनेशन के लिए चांस फैक्टर होना जरूरी. यानी कि ये भी वेल एक्सपोज होना चाहिए, ये भी वेल एक्सपोज होना चाहिए. कंपाइंड टू दैट द वीक स्टोरीज की जो दोनों का भी स्टोरी है वो हम लोगों ने पढ़ी है. तो अभी यहाँ पे देखो ये जो पोलन ग्रेन है, अगर पोलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन यानी कि एयर के थ्रू हो रहा है तो अगर वो पोलन ग्रेन इस तरफ फ्लॉट होते हैं तो स्टिग्मा की ये जो एक ही सिंगल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आएंगे क्या पोलन? नहीं आएंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे. इसलिए वहां के जो स्टिग्मा है वो ओपन होना चाहिए. अगर एयर का फ्लो, एयर का फ्लो अगर इस तरफ होगा तो जाहिर सी बात है पोलन इस तरफ फ्लॉट हो जाएंगे. यानी कि जो मेन फ्लावर है यहाँ पे जो एंथर है यहाँ पे जो स्टिग्मा है सेम एंथर के पोलन उसी स्टिग्मा के ऊपर नहीं आ सकते, आ सकते हैं लेकिन वो चांस फैक्टर है. अगर लक होगा उनका तो वो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, नेक्स्ट प्लांट के ऊपर चले जाएंगे. तो ये है आपका विंड पॉलिनेशन. ये क्या है आपका? विंड पॉलिनेशन. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली. तो उसमें है हाइड्रोफिली इंटोनोफिली, ये जो हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो हम देखते हैं वाटर पॉलिनेशन में. देन थैंक यू स्टूडेंट्स.